गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमने सात न्यूमेरिकल कर लिए थे, अब आठवां जो न्यूमेरिकल है उसमें ये संधारित्र लगे हुए हैं और ये संधारित्र समांतर क्रम में भी है और श्रेणी क्रम में भी है। इसमें एक एक माइक्रोफेरेड, एक एक माइक्रोफेरेड के सारे जो जितने भी संधारित्र हैं सारे एक एक माइक्रोफेरेड के हैं और इसमें माइक्रोफेरेड को तो अपन लास्ट में चेंज कर लेंगे 10^-6 करके। और ये भी एक का है, ये दोनों भी एक एक के हैं, ये चारों एक एक के हैं, यहाँ पर आठ लगे हुए हैं, ये भी एक एक संधारित्र के एक एक माइक्रोफेरेड के हैं। तो सबसे पहले जैसे यहाँ पर ये एक लगा हुआ है, इन दोनों को हम क्या करेंगे, ये दोनों श्रेणी क्रम में हैं, ठीक है। तो इन दोनों का श्रेणी क्रम वाला फॉर्मूला लगा लेंगे, तो ये एक माइक्रोफेरेड है और ये भी एक माइक्रोफेरेड है, तो इनका तुल्य तुल्य निकालेंगे तो क्या जाएगा, 1/C = 1/1 + 1/1, तो कितना जाएगा, 1/C = 2, क्या जाएगा, 1/C = 2। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो आप लगाओगे, यहाँ इसका बता रही हूँ मैं, इस वाले का बता रही हूँ कि 1/C ऐसे ही सारे हो जाएंगे, 1/C = 1/1 + 1/1, तो यह जाएगा 1/, यह जाएगा 1/C, 1/C = 2, तो सी बराबर 1/2। अब यहाँ देखिए दो संधारित्र है तो इनका जो तुल्य आया वो कितना आया, 1/2, और इसी प्रकार से अगर चार संधारित्र लगे हैं तो उनका कितना जाएगा, 1/4। तो यहाँ पर ये जो है वो इनका जो श्रेणी क्रम है उनका तुल्य प्रतिरोध कितना है, 1/2, मतलब यहाँ ये एक माइक्रोफेरेड का लगा हुआ है, यहाँ पर इनका तुल्य अगर करेंगे तो कितना आएगा, 1/2 माइक्रोफेरेड का, और यहाँ ये चार लगे हुए हैं, मतलब 1/1 + 1/1 + 1/1 + 1/1, तो कितना जाएगा, 4 आ जाएगा, और उसका इसको पलट देंगे तब यह जाएगा 1/4। तो इनका जो तुल्य आया इन चारों का वो कितना आएगा, 1/4। इसी प्रकार इन चारों का कितना आएगा, 1/8। इसी प्रकार से यहाँ अगर 16 लगे हुए हैं तो यहाँ कितना आएगा, 1/16। तो ये समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ ए और बी के मध्य हमें तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है, तो यहाँ ए से अगर कोई भी करंट फ्लो होती है, ए से कोई भी करंट फ्लो होती है तो यहाँ से अगर जो जाएगा, जो धारा इधर से जाएगी या जो आवेश इधर से जाएंगे वो इस प्रकार से इन सब में से होते हुए और फिर इसमें से जाएंगे, तो ये चारों किस क्रम में होंगे, श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम और समांतर क्रम का आपको पता लग गया, और ये जो आपस में होंगे सारे, ये सारे जो आपस में होंगे वो क्या होंगे, समांतर क्रम में। तो ये बात समझ में आ गई सबके। तो यहाँ पर इसका 1 माइक्रोफेरेड, इसका 1/2 माइक्रोफेरेड, इसका 1/4 माइक्रोफेरेड, इसका 1/8 माइक्रोफेरेड, फिर अब ये सारे कौन से क्रम में, समांतर क्रम में। ये वाला इन दोनों का तुल्य, इन चारों का तुल्य, इन आठों का तुल्य, ये सब किस क्रम में होंगे, समांतर क्रम में, ठीक है ना। तो समांतर क्रम का सूत्र क्या, ये तो श्रेणी क्रम का हुआ, 1/C = 1/C1 + 1/C2। समांतर क्रम का जो फॉर्मूला है तुल्यधारिता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, C = C1 + C2 + C3, ऐसे ही होता है ना। तो ये कितने का है, 1 माइक्रोफेरेड का, ये 1 + 1/2 + 1/4 + 1/8, बात समझ में आ गया ना सबके। तो इनका जो तुल्य होगा वो फिर आगे डॉट डॉट लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पर आगे और भी संधारित्र लगा रखे हैं, तो बात क्लियर हो गई। तो यहाँ ये डायग्राम समझ में आ गया, और हमें ए और बी के मध्य तुल्य धारिता का मान ज्ञात करना है, बहुत बढ़िया प्रश्न है ये। यहाँ देखिए दिए गए संयोजन में समांतर भुजाओं में संधारित्र श्रेणी क्रम में संयोजित है, माना कि समांतर भुजाओं की तुल्य धारिताएं क्रमशः C1, C2, C3 है। तो पहला पहली वाली लाइन में जो था 1 माइक्रोफेरेड, दूसरे लाइन में ये दूसरे लाइन
इन दोनों हाथों लेके कितना है C2, C2 कितना है 1/2, अभी भी निकाला था। C3 मतलब कितने संधारित्र लगे, 4 संधारित्र लगे हैं, तो 4 संधारित्रों का तुल्य कितना आ जाएगा 1/4 माइक्रोफैरड। चौथी लाइन में 8 माइक्रोफैरड लगे हैं, इन सब का अपन ने तुल्य निकाल दें। अब ये जो सारे संधारित्र हैं वो कौन से क्रम में लगे हुए हैं, समांतर क्रम में लगे हुए हैं, ठीक है। तो ये जब समांतर क्रम में है सारे, तो इनका जो तुल्य होगा वो क्या होगा, देखो ए में बी के बाद सभी भुजाएं समांतर क्रम में होने से तुल्य दाली का समांतर क्रम का ये फॉर्मूला है C=C1+C2+C3, ठीक है। तो 1+1/2+1/2 1/4+1/8, ठीक है। तो यहाँ पर अब ये जो श्रेणी है, ये जो श्रेणी है हमने पढ़ रखा है छोटी क्लास में, हमने पढ़ा था समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, एक हयात्मक श्रेणी जो शायद 12वीं क्लास में है, 11वीं में होगा या तो 12वीं होगा मैथ में। तो यहाँ GP HP AP है ना, समांतर समांतर क्रम संयोजन, हयात्मक, गुणोत्तर श्रेणी। तो ये जो श्रेणी है वो कौन सी है, गुणोत्तर श्रेणी है, ठीक है। देखिए यहाँ पर 1+1/2 डिक्रीज हो रहा है, धीरे धीरे जो संख्या वो कम हो रही है, ये 1 है, फिर ये आधा आया, फिर ये चौथा ही आया, फिर ये 8वां भाग आया, फिर ये 16वां भाग आएगा, फिर 32वां भाग आएगा। तो धीरे 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 क्या डिक्रीज होती है, कम हो रही है। तो कम के लिए जो सूत्र है यहाँ पर वो सूत्र होता है, यहाँ पर देखिए पहला पद तो क्या है 1, पहला पद क्या है 1। अब इनका जो सार्वंतर है, सार्वंतर मतलब पहले पद और दूसरे पद का डिफरेंस कितना है आधा, पहले पद और दूसरे पद का डिफरेंस कितना है आधा, ठीक है ना। दूसरे तीसरे का भी आधा ही, आधे का अंतर है, ठीक है। ये भी इसका आता है, अगर अपन इसमें इसका भाग लगाए हैं तो कितना जाएगा, कितना जाएगा 1/2 आ जाएगा। देखो इसको अगर अपन करते हैं 1/4/1/2, 2 प्लेट के ऊपर चला जाएगा, कितना जाएगा यहाँ 1/2/1, मतलब दूसरे पद में पहले पद का भाग लगा दो, यहाँ तीसरे पद में दूसरे पद का भाग लगा दो, चौथे पद में तीसरे पद का भाग लगा दो। तो इस तरह से ये सार्व अंतर आ जाएगा, दो क्रमागत पदों में अंतर वो सार्व अंतर कहलाता है। तो गुणोत्तर श्रेणी में तो अपन भाग लगा के करता है, समांतर श्रेणी में अपन घटा के करते हैं, माइनस करके करता है। तो यहाँ पर ये तो आ गया पहला पद, पहला पद हमारे पास में क्या है ए, तो ये तो आ गया प्रथम पद। इसका जो सूत्र, ये श्रेणी का जो सूत्र है वो क्या होता है, प्रथम पद बटे 1-r, इसका फॉर्मूला क्या है a/a, मतलब पहला पद, a का मतलब होता है पहला पद, प्रथम पद, ये है ना a/ में 1-r, ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है। a का मतलब है प्रथम पद और r का मतलब है सार्व अंतर, दोनों क्रमागत पदों में अंतर, ठीक है। तो पहला पद a है इसलिए 1 आ गया, अपॉन में ये 1-, दोनों का सार्व अंतर कितना है 1/2। सार्व अंतर में फिर बता रहे हैं, जो सार्व अंतर जब निकालते हैं तो पहले और दूसरे पद से निकाल सकते हैं, तीसरे और दूसरे से निकाल सकते हैं, चौथे और तीसरे से निकाल सकते हैं, दो क्रमांकित पदों में से आप किसी का भी निकाल दो सेम आएगा, सबका एक जैसा आएगा, सार्व अंतर कभी भी पूरी श्रेणी के भी नहीं बदलता, ठीक है। तो ये आ गया, ये सिंपली है, 1 में से आधा घटाएंगे तो आधा जाएगा, और पलट देंगे तो 2 माइक्रोफैरड। ऐसा जो प्रश्न है वो परीक्षा में मैं आपको ये बता दूं कि ये प्रतिरोध जो आगे पढ़ेंगे अगले चैप्टर में है, प्रतिरोधों का संयोजन वो आपने 10th में भी पढ़ रखा है, और ये है संधारित्रों का संयोजन। दोनों में अगर ऐसा डायग्राम आता है, ऐसा अगर सर्किट आता है, तो उसमें आपको तुल्य धारिता या तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना आता है परीक्षा में। तो उसमें आप एक ही बात ध्यान रखोगे, हमें किसके मध्य ज्ञात करना है, ये ऑल ओवर बता रहे पूरे इस तरह के जो भी प्रश्न आए उनके लिए ए और बी के मध्य ज्ञात करना है, ठीक है। आप
से शुरू करो चलना, चलना कहाँ से शुरू करोगे आप, ए से, आप ए से चल रहे हो यहाँ धीरे धीरे चले। यहाँ पर कितने रास्ते हैं, दो रास्ते हैं, एक तो इधर और दूसरा इधर, ठीक है। आप ये मानो कि कुछ व्यक्ति चल रहे हैं, ठीक है, कुछ व्यक्ति यहाँ से रवाना हुए, उसमें से कुछ तो इधर गए और कुछ इधर गए। अब जो इधर इस पथ पर चले गए वो इस वाले पथ पर नहीं आएंगे, इसका मतलब ये वाला आपस में कैसे हुआ, समांतर हुआ। इधर जो चला गया वो डायरेक्ट बी पर पहुंचेगा और जो इधर चला गया वो इधर से बी पर पहुंचेगा। कहने का मतलब है दो रास्ते चाहिए है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ से जो गया, यहाँ से जो गया वो इसमें से जाएगा, ये अकेला है, अकेले में श्रेणीक्रम समांतर को अपन नहीं निकाल सकते, तो दो को एक बार अपन नहीं रहने देंगे, आगे चलते हैं। यहाँ देखिए फिर दो रास्ते आ गए, तो यहाँ पर फिर ये दो भागों में बटेंगे, कुछ व्यक्ति इसमें से जाएंगे और कुछ व्यक्ति इसमें से जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर यहाँ से जो गए वो यहाँ आएंगे और नीचे जाएंगे, और इधर से जो आएंगे वो यहाँ मिलेंगे नीचे जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला संधारित्र और ये वाला संधारित्र कौन से क्रम में है, समांतर क्रम में। तो एक माइक्रोफेरेड और एक माइक्रोफेरेड कौन से क्रम में हुए, समांतर क्रम में। तो यहाँ अपन इन दोनों का समांतर क्रम लगाएंगे, समांतर क्रम में तुल्यधारिता सीधे सीधे जुड़ जाती है, एक माइक्रोफेरेड प्लस एक माइक्रोफेरेड तो कितने हो गए, दो माइक्रोफेरेड। इन दोनों का तुल्य कितना आएगा, दो माइक्रोफेरेड। आप समझ रहे हैं ना। तो इस पूरे दोनों संधारित्र को हटाकर अपन यहाँ एक ही संधारित्र लगाएंगे और वहां क्या लिखेंगे, दो माइक्रोफेरेड, मतलब इन दोनों का हम तुल्य निकाल चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ दो लग रहा है, फिर यहाँ भी दो लग जाएगा और सीधा बी पर पहुंच जाएगा। तो ये तो एक रास्ते वाली बात हो गई। अब दूसरे पर आते हैं, यहाँ से इसके सीमा से गया, अकेला लगा यहाँ पर, तो कोई समांतर क्रम श्रेणी क्रम पर नहीं निकालेंगे। फिर यहाँ देखिए, यहाँ फिर दो रास्ते हैं, इसमें से जो जाएगा वो इधर से निकलेगा सीधा, और जो इसमें से जाएगा वो इधर से निकलेगा। कहने का मतलब है कि चार माइक्रोफेरेड और चार माइक्रोफेरेड इन दोनों में से अलग अलग व्यक्ति निकलेंगे, और जो इस वाले में से जाएगा वो इसमें से नहीं जाएगा, और जो इसमें से जाएगा वो इसमें से नहीं जाएगा। इसका मतलब ये दोनों कौन से क्रम में हुए, समांतर क्रम में, ठीक है ना। ये सीधी सीधी आम भाषा में मैंने निवेदिका समझाया है कि जो व्यक्ति इस रास्ते से जाएगा वो इसमें से नहीं जाएगा, और जो इसमें से जाएगा वो इसमें से नहीं जाएगा। तो ऐसा अगर कहीं भी होता है, चाहे वो प्रतिरोधों का संयोजन हो चाहे वो संधारित्रों का संयोजन हो, ऐसे संयोजन में समांतर क्रम संयोजन होता है और उसी अनुरूप में अपन तुल्यधारिता ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो चार माइक्रोफेरेड और चार को अगर अपन जोड़ते हैं समांतर क्रम में, तो यहाँ कितना जाएगा, आठ माइक्रोफेरेड। क्लियर हो गई बात। तो यहाँ दो माइक्रोफेरेड, यहाँ भी दो माइक्रोफेरेड, यहाँ सी और यहाँ आठ, ठीक है। तो यहाँ देखिए, यहाँ दो लग रहा था, यहाँ मैंने कहा था दो कर देंगे, एक और एक दो जुड़ गए, ठीक है। यहाँ ये सी लग रहा था, यहाँ चार और चार जुड़ के कितने जाएंगे, आठ आ जाएंगे। अब देखो थोड़ा छोटा हो गया, अब क्या हुआ, यहाँ से चल रहे हैं वापस, जो इसमें से जाएगा वो इसमें से भी जाएगा, फिर बी तक पहुंचेगा। तो ये दोनों कौन से क्रम में हुए, श्रेणी क्रम में, ठीक है। इसी प्रकार जो इसमें से जाएगा वो इसमें से भी जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों कौन से क्रम में हुए, श्रेणी क्रम में। तो इन दोनों का श्रेणी क्रम निकाल लेंगे, दो माइक्रो और दो माइक्रो, तो एक बटा दो माइक्रो प्लस एक बटा दो माइक्रो, तो इन दोनों का तुल्य कितना जाएगा, एक, ठीक है। और इन दोनों का तुल्य एक बटा सी प्लस एक बटे आठ, तो सी का मान हमें पता नहीं है, तो हम यहाँ पर एक बटा सी रखेंगे और यहाँ एक बटे आठ, ठीक है। क्लियर हो गया, इनका एक अपन ने निकाल लिया। ये तो एक माइक्रोफेरेड है, दो का, और ये हमें पता नहीं है, सी का मान पता नहीं है, हम ऐसा सूत्र बना लेंगे। फिर वही बात आ जाएगी, तो यहाँ ये वाला और ये वाला, ये दोनों कौन से क्रम में, पता लग रहा है, देखो सीधे यहाँ से आया ऊपर गया, इसमें से जाएगा वो सीधे इस बी पर पहुंचेगा,
और जो इधर से जाएगा वो भी सीधा बी पर पहुंचेगा। तो ये दोनों आपस में कौन से क्रम में हुए? समांतर क्रम में, ठीक है। तो इन दोनों का समांतर क्रम संयोजन लेंगे तो दोनों को सीधा सीधा जोड़ देंगे, तो वन ये वाला वन और प्लस ये वाला, ठीक है। ये कैसे है? एक बटा सी प्लस एक बटे आठ किया ना, तो लघुतम ले लो, लघुतम लेके उसको सरल कर लो और फिर पलट दो, तो ये तुल्यधारिता का मान यहाँ पर आ जाएगा। अब देखो प्रश्न क्या दे रखा है, प्रश्न ये दे रखा है कि इन सब का जो तुल्य है ए और बी के मध्य जो तुल्य प्रतिरोध है, तुल्य जो संधारित्र है वो कितना दे रखा है? 5 माइक्रोफैराड। तुल्यधारिता कितनी दे रखी है? 5, ठीक है। तो यहाँ पर इन दोनों का जो तुल्य होगा, इन दोनों का तुल्य होगा वो कितना है? 5। ये प्रश्न में दे रखा है। अब यहाँ से ए इधर पक्षांतर कर दो तो यहाँ 4 आ जाएगा, ठीक है। और 4 करके वैसे कर लो इजी रहेगा, फिर करो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, ऐसे कर लो ऐसे कर लो ऐसे भी कर सकते हैं, मतलब इस ए को से जन ले आओ तो ये 4 आ जाएगा, ठीक है। और 4 को 8 से काट सकते हो तो यहाँ पर आ जाएगा, सीधे सीधा निकल जाएगा। टू सी बटे सी प्लस 8 बराबर 1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके सी का मान आ जाएगा, ठीक है। सिंपल प्रमाण है, पढ़ सकते हैं। ये भी बढ़िया प्रश्न है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये भी परीक्षा के लिए। इसमें देखिए दोनों चित्र आप देख रहे हैं, दोनों चित्र आप देख सकते हैं, एक ही संधारित्र है, दोनों में एक ही संधारित्र है, क्षेत्रफल ए दे रखा है, इसका क्षेत्रफल ए है प्लेट का, बीच की दूरी कितनी है? डी। इसका प्लेट का क्षेत्रफल कितना है? ए। बीच की दूरी कितनी है? डी। अब इसमें क्या किया कि आधे संधारित्र में तो एक प्रकार का पदार्थ कर दिया और आधे संधारित्र में दूसरे प्रकार का पदार्थ कर दिया, ठीक है। तो अब ये जो संधारित्र है ये दो प्रकार के संधारित्र की तरह कार्य कर रहे हैं, हम ये मानेंगे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये तो एक संधारित्र हो गया और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये दूसरा संधारित्र हो गया, ठीक है। ये यहाँ से करंट फ्लो रही है, यहाँ से करंट आ रही है और वो यहाँ से जा रही है, तो डायग्राम समझ में आएगा। अब इसमें इस पूरी प्लेट का क्षेत्रफल अगर ए है और हमने इसको दो संधारित्र में विभक्त अगर माना है तो क्षेत्रफल आधा आधा हो गया ना, तो इस पूरे संधारित्र यहाँ से लेकर यहाँ तक की प्लेट का जो क्षेत्रफल है वो कितना आएगा? ए बटा दो। और यहाँ से लेकर यहाँ तक की प्लेट का क्षेत्रफल कितना आएगा? ए बटा दो। तो क्षेत्रफल आधा हो गया, दूरी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, यहाँ से लेकर यहाँ तक डी है, इसमें भी डी है। तो समांतर प्लेट संधारित्र में हमारे पास में दो चीज आती है, एक तो क्षेत्रफल और एक दोनों संधारित्र के मध्य की बीच की दूरी, मध्य की दूरी, ठीक है। इस संधारित्र में क्षेत्रफल आधा हो गया, दूरी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और प्लेट के मध्य वायु की जगह हमें कोई पदार्थ बन रखा है, तो डायग्राम समझ रहे हैं। अब इस चित्र में आते हैं, इसमें भी वही दो चीजें हमारे पास में, क्षेत्रफल और दोनों संधारित्र के बीच की दूरी। अब इसमें क्या किया, इसमें जो पदार्थ बन रखा है वो इस तरह से बन रखा है कि आधी दूरी पर वो एक प्रकार का संधारित्र बन रखा है और आधी दूरी पर दूसरी प्रकार का संधारित्र बन रखा है, मतलब पूरी दूरी कितनी है? डी। तो डी बटे दो पर एप्सिलॉन आर वन पदार्थ बन रखा है और नीचे वाली डी बटे दो दूरी पर एप्सिलॉन आर टू पदार्थ बन रखा है, ठीक है। अब क्षेत्रफल आधा नहीं हो रहा, देखो ये पूरा संधारित्र एक का संधारित्र है, ये पूरा एक संधारित्र है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये तक ये एक संधारित्र है और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये दूसरा संधारित्र माने हैं, समझ आ गई बात। अब ये तो अपने डायग्राम समझ लिया, अब हमें ये पता करना है कि ये सब दोनों संधारित्र कौन से संयोजन में जुड़े हुए हैं, वो पहचान करने जगह चलती है। तो यहाँ देखिए आप सीधे सीधे पहचान कर सकते हैं, दोनों दो संधारित्र मान लिया हमने, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक संधारित्र है, यहाँ से लेकर यहाँ तक दूसरा संधारित्र है, दोनों की एक एक प्लेट ए से जुड़ी हुई है और दोनों की दूसरी दूसरी प्लेट बी से जुड़ी हुई है। मतलब अपन इसको धन विभव पर मान लेते हैं, ये मान लो ऋण सिरा है, ए वाला धन सिरा है, बी वाला ऋण सिरा है, तो दोनों प्लेटें धन सिरे से जुड़ी हुई हैं और दूसरी दोनों प्लेटें ऋण सिरे से जुड़ी हुई हैं, तो ये कौन सा संयोजन हुआ? याद होगा आपको कि
तीनों की एक एक प्लेटें हमने तब जिले से जोड़ी थी और तीनों की दूसरी दूसरी प्लेटें हमने रेड जिले से जोड़ी थी ना। तो वैसा संयोजन, कैसा संयोजन, कौन सा संयोजन कहेंगे इसको? समांतर क्रम संयोजन। तो इसका मतलब ये दोनों संधारित्र कौन से क्रम में जुड़े हुए हैं? समांतर क्रम संयोजन में जुड़े हुए हैं। अब उदाहरण देते हैं, इसकी ये वाली प्लेट, ये एक संधारित्र है और ये दूसरा संधारित्र है। इसकी एक वाली ये वाली प्लेट किससे जुड़ी हुई है? धनसिरे से। फिर यहाँ पर जितना भी आवेश आया ये इसकी दूसरी प्लेट है, और इस दूसरे संधारित्र की ये पहली प्लेट है और ये दूसरी प्लेट है और ये धनसिरे से जुड़ी है। तो ये दोनों संधारित्र कौन से क्रम में माने जाएंगे? शून्य क्रम में। एक संधारित्र फिर दूसरा संधारित्र, पहले संधारित्र की पहली प्लेट धनसिरे से और दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट, लास्ट वाली प्लेट रेड सिरे से। तो ये दोनों जो संयोजन कहलाएंगे वो कैसा होगा? श्रेणी क्रम संयोजन। तो इतनी बात तो आपके समझ में आ गई कि इस वाले डायग्राम में समांतर क्रम संयोजन है, इस वाले डायग्राम में श्रेणी क्रम संयोजन है। ये बात क्लियर होगी। अब समांतर प्लेट्स तंत्र की धारिता का सूत्र हम जानते हैं, सी बराबर एप्सिलॉन नॉट ए बटा डी। निकला था समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता अपने निकाली थी एप्सिलॉन नॉट ए बटा डी, निकाल रखी अपने। अब उसमें आप ये देखोगे कि यहाँ एप्सिलॉन आर वन का पदार्थ पर रखा है, तो एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर वन भी आएगा, यहाँ एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर टू। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखोगे कि दोनों के मध्य पदार्थ में रखा है, तो इससे भी आपको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, इसी प्रकार इसमें भी दोनों प्लेटों के मध्य संधारित्र। अच्छा, एक बात यहाँ ध्यान रखोगे, अब इसमें जो क्षेत्रफल है ए की जगह क्या है ना, ए बटा दो, बी में कोई परिवर्तन नहीं है, क्षेत्रफल कितना है? ए बटा दो। और यहाँ डी की जगह कितना आएगा? बी बटे दो। इसमें दूरी आती जाएगी, इसमें क्षेत्रफल आता जाएगा। चित्र में दी गई व्यवस्था समांतर क्रम संयोजन में जुड़े दो संधारित्रों के तुल्य है। प्रत्येक संधारित्र में प्लेट का क्षेत्रफल ए बटा दो है, जो मैंने बता दिए क्यों है। तुल्यधारिता C1 प्लस C2, C1 की जगह क्या जाएगा? एप्सिलॉन आर वन एप्सिलॉन नॉट, ए की जगह क्या आएगा? ए बटा दो बटे में डी, प्लस एप्सिलॉन आर टू एप्सिलॉन नॉट ए बटा दो बटे डी। ठीक, अब इसको जोड़ लो, देखो ये अंदर बाहर आ जाएगा, ये पूरा कॉमन है, अंदर क्या जाएगा? एप्सिलॉन आर वन प्लस एप्सिलॉन आर टू, बाकी सारा कॉमन आ जाएगा, बाहर आ जाएगा श्रेणीक्रम संयोजन में जो सूत्र निकलेगा, जो सूत्र आएगा तुल्यधारिता का, वो आएगा एक बटा सी बराबर एक बटे सी वन प्लस एक बटा सी टू। ये देखिए, इसको सोल्व करके पलट के ले लिए जिससे गलती नहीं हो, C1 C2 बटे C1 प्लस C2, ये तुल्यधारिता का है, इसके लिए श्रेणीकरण के लिए। C1 का मान ये देखो, क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं किया, दूरी आधी कर दी, डी की जगह क्या लिखोगे? डी बटा दो, दूरी की जगह डी बटा दो, और नीचे दोनों को प्लस कर दिया। क्लियर? यहाँ से नीचे से आप देखो, नीचे यहाँ कॉमन आ जाएगा, ये चीज कॉमन आ रही है, एप्सिलॉन नॉट ए बटा डी बाई टू, एप्सिलॉन नॉट ए बटा डी बाई टू, ये चीज कॉमन आ रही है, इस चीज को आप कॉमन ले लोगे। ठीक है ना, कॉमन लेने के बाद में क्या करोगे? ऊपर देखो, ये दो बार आया हुआ है, एक तो यहाँ पर और गुणा करके एक बार यहाँ पर, तो दो बार आ गया ना। दो बार वाले में से जो एक बार वाला है वो नीचे वाले से कट जाएगा, तो केवल एक बचेगा, ये पूरा बचेगा। ठीक है, ये वाला जो है वो नीचे अपन ने जो कोमल लिया उससे ये कट जाएगा पूरा। ठीक है, तो बचेगा क्या?
एप्सिलॉन नॉट ए बटा डी बाई टू, ये दो बार है ना पूरा, ये और ये इतना, ये दो बार है, दो बार वाले में से जो एक बार वाला है वो नीचे जो हमने इनमें से लघुत्तम लिया था उससे ये कट जाएगा, तो नीचे क्या बचेगा एप्सिलॉन आर वन प्लस एप्सिलॉन आर टू, ये तो बचा नीचे, ठीक है, और ऊपर क्या बचेगा एप्सिलॉन नॉट ए बटे डी बाई टू और एप्सिलॉन आर वन और गुणा एप्सिलॉन आर टू, ये ऊपर बचेगा, ठीक है, इस दो को ऊपर पलट के ऊपर ले आएंगे तो ले जाएगा टू एप्सिलॉन नॉट ए बटा डी और ये यहाँ है, तो ये इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है, ये आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे इसको। अगला न्यूमेरिकल आप आराम से कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं, जैसा मैंने नियम बताया था, यहाँ से कुछ व्यक्ति चल रहे हैं, आप ये मानो कुछ व्यक्ति चल रहे हैं, आराम से आपके समझ में आ जाएगा, देखो यहाँ से चले सारे के सारे व्यक्ति इसमें से जाएंगे, अकेला लग रहा है, ठीक है चलवाएंगे, यहाँ दो रास्ते हैं, कुछ व्यक्ति इसमें से जाएंगे, जो व्यक्ति ऊपर वाले रास्ते में से जाएंगे वो नीचे वाले में से नहीं जाएंगे, जो नीचे वाले में से जाएंगे वो ऊपर वाले में से नहीं जाएंगे, तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों समांतर हैं, ठीक है ना। अब देखो सबसे पहले ऊपर वाले रास्ते पर चलते हैं क्या होता है, जो व्यक्ति इसमें से गए वो इसमें से भी जाएंगे, जाएंगे ना, तो ये दोनों कौन से क्रम में हुए, श्रेणी क्रम में, ये दोनों कौन से क्रम में हुए, श्रेणी क्रम में हुए, तो 8 माइक्रो और 4 माइक्रो का हम श्रेणी क्रम निकाल लेंगे, तो 1/8 प्लस 1/4, यह वो वाला सूत्र लगा दो, C1 C2 बटे C1 प्लस C2 मतलब 8 गुणा 4 बटे 8 प्लस 4 तो 32/12 आ जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ इसका तुल्य निकल आया, फिर यहाँ अच्छा इनका जो तुल्य रहेगा और ये वाला 4, ये दोनों आपस में कौन से क्रम में रहेंगे, समांतर क्रम में, ठीक है, तो इनका समांतर क्रम निकाल लेंगे, इनका समांतर क्रम जो भी आएगा, फिर देखो एक तो ये वाला, एक यहाँ जो अपन ने तुल्य निकाला और एक ये तीनों कौन से क्रम में होंगे, कौन से क्रम में होंगे, श्रेणी क्रम में, ठीक है ना, 12 इधर 16 और बीच वाला जो भी निकलेगा वो तीनों कौन से क्रम में होंगे, श्रेणी क्रम में, तो आसानी से केवल कैलकुलेशन आप आराम से कर सकते, ये 12 लग रहा है इसको छेड़ा ही नहीं, ये 16 लग रहा है इसको नहीं छेड़ा, यहाँ पे 8/4 था, 32/12 आया था ना, 8/3 इसका तुल्य निकल गया 8/3, ये 8/3 और ये 4, 8/3 और ये 4, ये कौन से क्रम में, समांतर में, 8/3 प्लस 4 कितना है 20/3, ये कितने का है 20/3, ये 12 ये चल ही रहा है, 12 ये 16, ये 16 वाला चल रहा है और इसका अपन ने जो तुल्य निकाला वो कितना आ गया 20/3, सिंपल लघुत्तम लेके आपको सॉल्व करना है, आ गया समझ में, अब ये तीनों कौन से क्रम में, श्रेणी क्रम में, तो श्रेणी क्रम वाला सूत्र आपको पता है 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, ये देखो 1/12 प्लस 1/20/3 प्लस 1/16 इन पलट दो ऊपर और सिंपल आप लघुत्तम लेके इसको सॉल्व करो, तुल्य कितना जाएगा, तुल्य जाएगा आपके, तुल्य जाएगा आपके 3.38 माइक्रोफैरड, तो ये आपके जो जटिल न्यूमेरिकल है, ये तो हालांकि सिंपल सा ही था लेकिन बहुत से अगर प्रतिरोध, बहुत से अगर संधारित्र जुड़े हुए हैं या प्रतिरोध भी प्रतिरोध वाले चैप्टर में पढ़े हैं जुड़े हुए हैं, तो उनका तुल्य कैसे ज्ञात करते हैं वो मैंने आपको नियम बता दिया, लेकिन यहाँ सूत्र उल्टे लगेंगे, ये आप ध्यान रखना। अगला भी छोटा सा ही है न्यूमेरिकल, एक विलगित, विलगित मतलब अकेला अलग चालक को दूसरे सकेंद्रीय गोलीय चालक जिसका बाहरी पृष्ठ पृथ्वी से संबंधित है, कुछ याद आया क्या, एक गोला जिसके
बाहर एक दूसरा सब इंद्रिय गोला और बाहर वाला गोला पृथ्वी से संबंधित है, ये अपन ने पढ़ा था। याद हो तो कौन सा संधारित्र है? गोलीय संधारित्र, जिसमें अंदर वाले गोले की त्रिज्या आर वन और बाहर वाले गोले की त्रिज्या आर टू है। ठीक है, से ढक देते हैं। इन गोलीय चालकों की त्रिज्याओं का अनुपात, मतलब हमें त्रिज्याओं का अनुपात देखना है, तो आर टू बटे आर वन बाहर वाले गोले की त्रिज्या बटे अंदर वाले गोले की त्रिज्या। अब यहाँ एक प्रश्न बैठता है ना, बनता है कि आर वन बटे आर टू क्यों लिया। तो आप ये देखिए, आर वन छोटा है या आर टू, हमने अंदर वाले गोले की त्रिज्या कितनी लिया है आर वन, बाहर वाले गोले की त्रिज्या कितनी ली है आर टू, तो आर टू बड़ा है या आर वन बड़ा है, आर टू बड़ा है ना। अब यहाँ देखिए अनुपात दे रखा है, एन बड़ा है या एन माइनस वन बड़ा है, कुछ घट रहा है, ऊपर वाली राशि में से कुछ राशि कम हो रही है, मतलब नीचे वाली छोटी है और ऊपर वाली बड़ी। तो हमें अनुपात जब भी लिया जाता है, बड़ी संख्या जब ऊपर है, इधर से बड़ी संख्या ऊपर है तो दूसरी तरफ भी बड़ी संख्या ऊपर होगी, जो कौन सी है आर टू है। तो यहाँ आर टू बटे आर वन का मान कितना दे रखा है, एन बटे एन माइनस वन। ठीक है, सिद्ध कीजिए कि इस समायोजन से गोलीय चालक की धारिता एन गुना बढ़ जाती है। हमें ये सिद्ध करना है कि C बराबर एन सी डैश या एन सी जीरो। हमने इस समायोजन, कौन सा समायोजन, कि एक गोलीय चालक के बाहर हमने एक गोला और लगा दिया, बात समझ रहे ना। तो एक तो देखो पहले तो मिलिंग चालक था, तो गोले की धारिता जाएगी, फिर उस गोलीय चालक को हमने किसने बदल दिया, गोलीय संधारित्र में बदल दिया। पहले सिंपल हमने गोला लिया था, हमने सिंपल एक गोलीय चालक लिया था जिसको हमने फिर संधारित्र में बदला। ठीक है ना, तो सिंपल गोलीय चालक को जब हमने संधारित्र में बदला और उसके पास एक और नया गोला लेकर आए तो उसकी धारिता बढ़ जाती है, ये तो अपन जानते हैं। लेकिन इसमें क्या है कि एन गुना बढ़ जाएगी, वो हमें सिद्ध करना है। हमें सिद्ध करना है सी बराबर एन सी डैश, जो भी अपन माने सी डैश माने या सी जीरो माने, माना विलंबित गोलीय चालक की त्रिज्या आर वन है, विलंबित गोलीय चालक छोटा वाला। ठीक है, ये जो अकेला था, तो गोलीय चालक की धारिता कितनी होती है, सी बराबर फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर वन, अपन पढ़ी है आर बटा के, कुछ न्यूमेरिकल भी किया था तो फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर, वहाँ पर ने कैपिटल आर ले रखा था, यहाँ स्मॉल आर ले लिया, तो ये धारिता का सूत्र अपन जानते हैं। प्रश्नानुसार जब इस गोलीय चालक को दूसरे सकेंद्रीय गोलीय चालक जिसका बाहरी पृष्ठ पृथ्वी से संबंधित है से ढक देते हैं तो समायोजन एक गोलीय संधारित्र बन जाता है। ये मैंने पहले बता दिया कि गोलीय संधारित्र बन जाएगा। यदि बाह्य सकेंद्रीय गोलीय चालक की त्रिज्या आर टू हो तो बाहर वाला जो गोला है उसकी त्रिज्या अपन ने आर टू ले ली, तो यहाँ प्रश्नानुसार आर टू बटे आर वन बराबर एन बटे एन माइनस वन, ये हमें यहाँ दे रखा है, यहाँ दे रखा है एन बटे एन माइनस वन। ठीक है, यहाँ से आर वन को ऊपर ले ले रहे तो ये आर टू बराबर निकल आया। अब गोलीय संधारित्र की धारिता का सूत्र अपन जानते हैं, अपन ने पढ़ा था पीछे, समांतर प्लेट संधारित्र और गोलीय संधारित्र दोनों अपन ने पढ़ रखे हैं, वहाँ से अपन ने सूत्र निकाला था फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर वन आर टू बटे आर वन माइनस आर टू, ये सूत्र वहाँ से हमने पढ़ रखा था। यहाँ क्या किया, आर टू की जगह ये वाला मान रख दिया। ठीक है, तो जहाँ आर टू है यहाँ आर टू है, ये इसकी जगह ये रख देंगे, और यहाँ आर टू है इसकी जगह ये वाला मान रख देंगे। ठीक है, तो देखो फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर वन और ये आर टू की जगह रख दिया, बटे में ये आर टू की जगह रख दिया और माइनस आर वन, यहाँ से कॉमन आ रहा है क्या आर वन, इसमें भी आर वन है इसमें भी आर वन है, आर वन कॉमन ले लो और कॉमन लेके इस आर वन से काट दो, काट सकते हैं, देखो आर वन कॉमन ले लिया
कॉमन वाला इससे इससे काट दो और यहाँ ये खत्म हो गया। यहाँ बचेगा एन बटे एन माइनस वन और माइनस वन, एन माइनस वन खत्म हो जाएगा और ये सेवन कट जाएगा, एन सेवन कट जाएगा एन माइनस वन से, एन माइनस वन कट जाएगा आर वन से, आर वन कट जाएगा तो बचेगा क्या एन फोर बाई एप्सिलॉन नॉट आर वन और बटे में कुछ बचेगा नहीं क्योंकि ये इससे कट गया, ये इससे कट गया और ये वाला इससे कट गया, एक बचेगा एक को ऊपर लिखते हैं। अब यहाँ देखिए फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर, फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर ये किसके बराबर है, समीकरण एक में अपन ने पढ़ रखा था, ये देखो जरा बोल के चालक की धारिता ये अपन ने निकाल लिया, इसकी जगह हमने सी रख दिया तो सी डैश बराबर एन सी, मतलब जो धारिता है वो गोलीय चालक की धारिता का एन गुना हो जाता है, ये बात सिद्ध हो गई ना, ये बात पूछिए। देखो इस संयोजन से गोलीय चालक की धारिता एन गुना बढ़ जाती है, ये बात आपको सिद्ध करनी है, हो गई सिद्ध। तेरवा प्रश्न, एक समांतर प्लेट संधारित्र द्वारा संचित ऊर्जा घनत्व, ऊर्जा घनत्व दे रखा है, लास्ट लास्ट में अपन ने टॉपिक पढ़ा था ऊर्जा घनत्व, ऊर्जा बटे आयतन, याद होगा ना ऊर्जा बटे आयतन। संधारित्र की प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए, एप्सिलॉन नॉट का मान दे रखा है, न भी दे रखा हो तो आप जानते हैं ये मान आप लिख सकते हो, तो सीधा सूत्र है इसका एक बटा दो ई एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर, सीधा सीधा फॉर्मूला है, ऊर्जा घनत्व U दे रखा है, U का फॉर्मूला एक बटा दो एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, लास्ट लास्ट में अपने टॉपिक किया था ये, तो यहाँ से ई का मान पता करना है, दो को ऊपर ले जाओ एप्सिलॉन नॉट का मान लगा दो और ये स्क्वायर हटाओगे तो रूट आ जाएगा और मान रख दो सीधा, सीधे सीधे मान दे रखे हैं सॉल्व करना है। यहाँ देखिए भी बढ़िया प्रश्न, चित्र देख रहे हैं पहला और दूसरा दो, इन दोनों चित्रों में ऊपर वाला देखिए पहले, एक जो देखो चार लाइन एक दो तीन और चार, मतलब ये जो बी सिरा है वो दोनों ए सिरे के अंदर डाले हुए हैं, ठीक है ना। हम जब भी संधारित्र लेते हैं तो हम ये मानते हैं कि एक प्लेट पर माइनस का और एक प्लेट पर प्लस का होना चाहिए और यहाँ पर ये जो है वो प्लस वाला सिरा मान लेते हैं और बी वाला माइनस वाला सिरा मान लेते हैं, तो प्लस वाला सिरा मानेंगे मतलब हमारे पास में ये जो चार प्लेटें हैं चारों प्लेटों में से कौन कौन सी प्लेट पर प्लस चार्ज है बताओ, एक तो इस वाली प्लेट पर ये ए से जुड़ा हुआ है, ये वाली ए से जुड़ी हुई है, इस प्लेट पर कौन सा चार्ज है प्लस पहली प्लेट पर, और एक लास्ट वाली प्लेट जो चौथी प्लेट है उस पर कौन सा चार्ज है प्लस, समझ में आ गई ना। अब देखो दूसरी जो प्लेट ये वाली इस पर माइनस है और इधर इस पर भी माइनस है, ठीक है ना, तो ये जो चीजें हम दे देखी हैं तो एक पहली वाली प्लेट और दूसरी वाली प्लेट, इन दोनों प्लेटों पर इस पर तो प्लस वाला चार्ज है इस पर माइनस, ठीक है, तो ये एक संधारित्र हो गया। एक संधारित्र में ये जरूरी है कि एक प्लेट धनावेश और दूसरी प्लेट ऋणावेश होनी चाहिए, अगर दोनों प्लेटों पर ऋणावेश है तो उसे हम संधारित्र नहीं कहेंगे। जैसे दूसरी और तीसरी प्लेट देखो दोनों पर कैसा चार्ज है माइनस का, इस ये भी माइनस से जुड़ी हुई और ये वाली भी माइनस से जुड़ी हुई है तो दोनों पर कैसा चार्ज आ गया माइनस का चार्ज आ गया, तो क्या ये एक संधारित्र माना जा सकता है क्या, नहीं माना जा सकता। तो यहाँ इस पूरे चित्र में हमारे पास में दो संधारित्र हैं, कौन कौन से, एक तो ये ऊपर वाला और एक ये वाला, ये दो संधारित्र हमारे पास में है। मैं यहाँ पर प्लस और माइनस थोड़ा सा लगा दूँ जिससे आपको समझ में आ जाए, ये प्लस ये माइनस, ये माइनस और ये प्लस, ठीक है, तो एक तो ये संधारित्र हो गया
एक तो ये संभव हो गया और एक ये संभव है, दो संधारित्र जुड़े हुए हैं यहाँ, तीन नहीं है ये आप जान रखो। यहाँ पर कितने संधारित्र हैं? दो संधारित्र हैं और दोनों का क्रम आप बता सकते हैं क्या, कौन सा क्रम है, कौन से क्रम में जुड़े हुए हैं ये दोनों? जुड़े हुए हैं समांतर क्रम में। कौन से क्रम में? समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि दोनों की जो एक एक प्लेट है प्लस, ये वाले प्लस वाले और ये वाले प्लस वाले, एक एक प्लेट डायरेक्ट प्लस के संपर्क में है। दोनों की एक एक प्लेट प्लस के संपर्क में है और दोनों की एक एक प्लेट माइनस के संपर्क में है, तो कैसे संयोजन हुआ? समांतर क्रम संयोजन। आप समांतर क्रम संयोजन में देख लो, एक प्लेट अपने ऊपर ली थी, एक प्लेट अपने, एक संधारित्र अपने ऊपर लिया था, दूसरा नीचे लिया था, दोनों की एक एक प्लेट प्लस सिरे से जुड़ी हुई है और दोनों की दूसरी दूसरी प्लेट माइनस वाले सिरे से जुड़ी हुई है। वही कंडीशन यहाँ है, दोनों संधारित्रों की इस वाले संधारित्र की एक प्लेट प्लस से और इस वाले संधारित्र की एक प्लेट प्लस से जुड़ी हुई है और दोनों की दूसरी दूसरी जो प्लेट है वो माइनस वाले सिरे से जुड़ी हुई है। तो इस संयोजन को कैसा संयोजन कहेंगे? समांतर क्रम संयोजन। और कितने संधारित्र जुड़े हुए? दो संधारित्र, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला। तो समांतर क्रम का सूत्र आप लगा सकते हो, सीधा सीधा लगा सकते हो ना, सीधा सीधा जुड़ेगा सी वन प्लस सी टू एप्सिलॉन नॉट ए बटा डी एप्सिलॉन नॉट ए बटा डी। तो ये अपन ने जोड़ दिया, देखो दिए हुए संयोजन को दो संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन मान सकते हैं। C बराबर एप्सिलॉन नॉट ए बटा डी एप्सिलॉन नॉट ए बटा डी, तो टू एप्सिलॉन नॉट ए बटा डी, ठीक है। अब इसमें देखो, इसमें ये वाली प्लस की, ये माइनस की, ये प्लस की और ये माइनस की, इसमें अपन तीन संधारित्र मान सकते हैं इस प्रकार के संयोजन। समझ आ गया ना? एक संधारित्र ये हो गया, दूसरा संधारित्र ये हो गया और तीसरा संधारित्र ये हो गया, और तीनों कौन से क्रम में है? समांतर क्रम संयोजन में। तो समांतर क्रम संयोजन में तीन बार जोड़ेंगे इसको तो तीन आ जाएगा। आगे समझ में? तो ये आप इतने न्यूमेरिकल करना, दो न्यूमेरिकल और बच गए हैं, कल आपके न्यूमेरिकल कंप्लीट हो जाएंगे। 16 न्यूमेरिकल टोटल है इसमें, जिसमें आपके 14 हो गए, ठीक है। तो कल चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और बीच में जो पोर्शन छूटा हुआ था, जो प्रॉब्लम बच्चों ने पूछी थी, वो कल वाले वीडियो में आपके पास आप पहुँच जाएगी। क्योंकि कल आपके, मैं सोच रही थी कि न्यूमेरिकल पूरे कंप्लीट हो जाने के बाद में लास्ट में वो मैंने इसमें डाल रखी है, स्लाइड बनानी पड़ती है इसमें, तो वो मैंने लास्ट में डाल रखी है। तो ये कंप्लीट होने के बाद ही नंबर आएगा उनका, बीच में इसमें नहीं डाल सकते, ठीक है ना। तो इसलिए ये दो न्यूमेरिकल और हैं, तो कल वाले वीडियो में डेफिनेटली आपके पास में वो प्रॉब्लम जो है वो, उसका सॉल्यूशन जो है वो पहुँच जाएगा। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, धन्यवाद।